हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुंतल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका कि नाम है बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है व्हाट इज पोस्ट टेंशनिंग स्लैब, मतलब पीटी स्लैब। और ये हमारा पीटी स्लैब का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट वन वीडियो बना चुके हैं और इससे पहले जस्ट हमने उसको अपलोड किया है। एंड वो वीडियो हमने ऑन साइट बनाया था और हमने आपको उसमें ऑन साइट दिखाया था कि पीटी स्लैब क्या होती है। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीटी स्लैब में हमारे क्या क्या मटेरियल यूज होता है और वो मटेरियल कैसे फंक्शन करता है पीटी स्लैब के अंदर, उसको कैसे प्लेस करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हमें याद रखने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरी पीटी स्लैब है, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें एच टी स्ट्रेंथ एंड टेंडेंस है और ये मेरी नॉन टावर और बेसमेंट स्लैब में हम यूज करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो पीटी स्लैब होती है वो हम अपनी नॉन टावर और बेसमेंट्स में ज्यादा यूज करते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट्स ऑफ पीटी स्लैब, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एच टी स्ट्रेंड्स, ठीक है। एच टी स्ट्रेंड्स के अलावा इसकी शीटिंग पाइप एक पार्ट है एंड थर्ड इज प्लेन कपलर। ये हमारा प्लेन कपलर है जो यूज होता है। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इसका एच टी स्ट्रेंड्स, जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसको जो सबसे ज्यादा रोल होता है इसमें, ठीक है। सेकंड इज शीटिंग पाइल। शीटिंग पाइल हम एच टी स्ट्रेंड्स को कवर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट हमारी कुछ इस शेप की होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हम इसकी जो प्लेसिंग होती है वो, जैसे ये जो आप पीटी स्लैब देख रहे हैं, इसमें ये जो मेरे बैटन लगे हुए हैं, बैटन के पास में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन पोर्शन पोर्शन देख रहे हैं, ये मेरा बियरिंग प्लेट है। और जो मेरा बियरिंग प्लेट का मेन जो रोल क्या होता है, टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, टू सेव द स्ट्रेंथ फ्रॉम कॉन्क्रीट। जो मेरे स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको कॉन्क्रीट से अवॉइड रखता है कास्टिंग के टाइम पर, एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर फ्रंट फ्रॉम स्ट्रेचिंग। जब हम इसकी स्ट्रेंथ्स की स्ट्रेचिंग करते हैं वाया स्ट्रेचिंग मशीन, तो हमें एक प्रॉपर फ्रंट अवेलेबल कराता है स्ट्रेंथ के लिए, जिससे कि हम उसको स्ट्रेचिंग मशीन से स्ट्रेच कर सकें। थर्ड इज बियरिंग प्लेट, सॉरी, थर्ड इज कीपर्स प्लेट ऑब्लिक लूपिंग प्लेट। ये हमारी लूपिंग प्लेट एंड कीपर्स प्लेट कुछ इस टाइप की होती है। एंड इसका जो मेन रोल होता है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू बियरिंग प्लेट। जो मेरी बियरिंग प्लेट जो मैंने अभी बताया, उसको सपोर्ट देने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पीटी स्लैब्स का, दैट इज कपलर एंड वेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इसको अभी नेक्स्ट, जो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स दिखाएंगे उसमें बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम इसको। तो बेसिकली इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ एच टी स्ट्रेंड्स। जो जब हम एच टी स्ट्रेंड्स को स्ट्रेच करते हैं वाया स्ट्रेच मशीन, सबसे ज्यादा रोल इनका तब होता है। और इनका रोल तब क्या होता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी नेक्स्ट हम आते हैं वेंट कपलर। वेंट कपलर जो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था, यहां मेरी ये जो बैटन्स लगे हुए हैं, यहां मेरी ये जो पीटी स्लैब का पोर है, यहाँ खत्म हो रहा है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो जहां खत्म होता है, जहां प्लास्टिक के पाइप्स देख रहे हैं आप, यहां हम वेंट कपलर लगाते हैं। और हमेशा एंड्स पे लगाया जाता है ये। और जो वेंट कपलर होता है मेरा, वेंट कपलर का सबसे जो मेन यूज होता है वो होता है ग्राउटिंग के लिए। जब हम इसकी कास्टिंग हो जाती है, इसका ग्राउटिंग जो करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेंट कपलर। वो वेंट कपलर हमारा उसमें यूज होता है। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज टेंडेंस। तो आप सभी जानते होंगे पीटी स्लैब में टेंडेंस सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है। तो टेंडेंस होते क्या है? तो बेसिकली दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पीटी स्लैब में, ये जो मेरा पोर्शन जा रहा है, इसको हम टेंडेंस बोलते हैं। अच्छा, टेंडेंस क्या होते हैं और उसको हम क्यों टेंडेंस बोलते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो जैसे देखिए, ये मेरा एच टी स्ट्रेंड है, जैसे फोटोज में आप देख पा रहे हैं। और ये एक आप देखें तो एक पाइप के अंदर से होके आ रहा है, जो कि मेरा शीटिंग पाइप है। शीटिंग पाइप है ये, जो मैंने पहले बताया था आपको। और ये मेरा मेटेलिक शीटिंग पाइप है, जिसके अंदर मेरे स्ट्रेंड्स जा रहे हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं टेंडेंस की, तो इट्स अ सेवन हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। जो मेरे ये जो आप देख रहे हैं एच टी स्ट्रेंड्स, सेवन हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर वोन टुगेदर, जब हम इनको एक साथ एक तरीके से बांधते हैं एंड प्लेस्ड इनसाइड अ प्लास्टिक और मेटेलिक डक्ट,
देखिए जैसे कि हमने इसको यहां पर मेटलिक डक्ट के अंदर केस किया हुआ है, तो जब हम इस स्ट्रेन एच डी स्ट्रेन को एक मेटेलिक या फिर प्लास्टिक डक्ट के अंदर डाल देते हैं, प्लेस कर देते हैं उसके इनसाइड, तो हम उस पूरे उसको टेंडन बोलते हैं, जो कि हमने यहां आपको बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं। देखिए ये मेरा कास्टिंग हो जाने के बाद का है, मेरी कास्टिंग हो चुकी है साइड पर, और उसमें जो मेरे पार्ट्स हैं उसके, वो मैं आपको उन सबका रोल बताता हूं। देखिए ये मेरी कीपर प्लेट है जो आप सामने देख रहे हैं इमेजेस में, मैंने आपको दिखाया भी था इसका फोटो। देन देखिए ये मेरा एच टी स्ट्रेन है, जो देखिए मैंने अभी आपको बताया था इट्स 7 हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर्स। तो देखिए अगर मैं आपको काउंट भी करेंगे तो देयर आर 7 वायर्स जो कि हमने एक साथ उसको मोड़ा हुआ है, उसको एक एच टी स्ट्रेन बनाया है। ये जो आप गोल देख रहे हैं दैट इज कपलर, ये प्रॉपर जो देख रहे हैं, और इसके अंदर ये जो चीज देख रहे हैं आप, ये इसको बोलते हैं वेजेस। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या एक चीज और बताई थी मैंने आपको, दैट इज बियरिंग प्लेट। बियरिंग प्लेट जो होती है वो हमारी इस, ये जो मेरी कीपर प्लेट है इसके पीछे लगाई जाती है और वो हमारी कास्टिंग के अंदर दब जाती है, वो हमें दिखती नहीं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट पीछे जो मेरा कीपर प्लेट है इसके पीछे हमने उसको प्लेस किया हुआ है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि जो मेरे कपलर एंड वेजेस होते हैं, ये दोनों होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए मैंने प्रॉपर इसको यहाँ टैप किया हुआ है, जब हम स्ट्रेचिंग मशीन से स्ट्रेन को टाइट करते हैं, जब हम स्ट्रेचिंग मशीन से स्ट्रेन को टाइट करते हैं, तो कपलर एंड वेजेस का मेन रोल है कि जब मैं उसको स्ट्रेच करूं, कि स्ट्रेच करने के बाद स्ट्रेन दोबारा अंदर ना जाए। ये जो मेरा स्ट्रेन है, जब मैं इसको पुश करूंगा, स्ट्रेच करूंगा अपनी तरफ स्ट्रेचिंग मशीन से, तो ये जब इसको स्ट्रेच करने के बाद ये मेरा दोबारा, जब मैं वैसे प्रेशर हटा दूं मशीन के थ्रू, तो मेरा दोबारा अंदर नहीं जाएगा ये वायर। ये मेरा रोल होता है मेन कपलर एंड वेजेस का। तो जब मेरा बाहर जितना आ चुका होगा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं जाएगा वो, जितना बाहर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा 10 mm ये स्ट्रेन बाहर आ जाता है वाया मेरी जो स्ट्रेचिंग मशीन है उससे, तो मेरा 10 mm बाहर ही रहेगा, ये कपलर एंड वेजेस उसको 10 mm अंदर नहीं जाने देंगे, ये इनका मेन रोल होता है। ठीक है अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग मशीन की और कंप्रेसर की। तो देखिए ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरी स्ट्रेचिंग मशीन है दोस्तों, ये काम कैसे करती है इसके लिए मैंने एक वीडियो, कुछ एक दो वीडियोस अटैच किए हुए हैं इसमें, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके मेन, इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो अभी मैं आपको इसका फोटो दिखा रहा हूं, तो ये मेरी बेसिकली स्ट्रेचिंग मशीन है एंड ये मेरा कंप्रेसर है जिससे हम प्रेशर देते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा याद रखने की चीज जो है चार मैं आपको बता देता हूं, कि ये जो है हमारी स्ट्रेचिंग मशीन है, सेकेंड इज कंप्रेसर, जो मेरा कंप्रेसर होता है उस पर प्रेशर जो होता है वो 50 kg/cm² का हम देते हैं इसके लिए। ठीक है स्ट्रेचिंग मशीन से जो एच टी स्ट्रेंथ को स्ट्रेच करते हैं इसकी लिमिट पर मीटर 5 to 7 mm होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 20 मीटर का एक कोर कास्ट किया है तो मैं वहां पर 20 × 5 to 20 × 7 मतलब 100 mm से 140 mm तक उसको स्ट्रेच कर सकता हूं। ठीक है नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग डन आफ्टर 7 days ऑफ कास्टिंग, जब मैं उस स्लैब जो मेरी पीटी स्लैब है उसको कास्ट कर दूंगा, देन जो मेरी स्ट्रेचिंग होगी स्ट्रेंथ की वो 7 days के बाद होगी। 7 days के बाद इसलिए होगी कि 7 days में जो मेरी स्लैब है वो मिनिमम 75% ऑफ इट्स स्ट्रेंथ को अटेन कर ले, ये मेरा मेन रोल होता है। ठीक है और ये 75% ऑफ स्ट्रेंथ हम पता कैसे लगाएंगे, ये हम पता लगाएंगे क्यूब टेस्ट के थ्रू, जो हम साइड पर आरएमसी की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम टेस्ट करते हैं। ठीक है अब देखिए ये एक मेरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये इसकी वर्किंग करते हुए दिखाया है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मेरी मशीन होती है, देखिए ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप सामने, ये मेरा कपलर एंड वेजेस में फंस जाता है एंड इसके बीच में से जो स्पेस जा रहा है इसके अंदर से हम स्ट्रेन, जो स्ट्रेन होता है उसको पास करते हैं। तो जैसे आप सामने देख रहे हैं ये जो स्ट्रेन जा रहा है, देखिए ये वाला जो जा रहा है ये इसके अंदर से जा रहा है, और ये जब हम इसको आगे पुश करेंगे
ये मेरी मशीन आगे आ जाएगी और ये कपलर एंड वेजेस में फंस जाएगी, एंड फिर पीछे से हम इससे जो मेरी स्ट्रेचिंग मशीन है हम इसको स्ट्रेंड को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। के अलावा एक वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आपको और थोड़ा प्रॉपर दिखेगा कि जो मेरा जो मैंने यहां पर ये जो इसका पोर्शन मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा वेजेस एंड कपलर में फिक्स हो चुका है। इसके बाद जो इसका एचटी स्ट्रेंड है वो ये सामने देखिए, ये जो बिल्कुल मेरे माउस के पास में जो देख रहे हैं आप स्क्रॉल के पास में, ये इसका एचटी स्ट्रेंड है और ये इसको जो मेरी स्ट्रेचिंग मशीन है इसको स्ट्रेच कर रही है। जो स्ट्रेचिंग है वो हो रही है एचटी स्ट्रेंड की, एंड ये जो आगे का पोर्शन है ये मेरा कपलर एंड वेजेस में प्रॉपरली फिट। देखिए अब इसकी स्ट्रेचिंग होने के बाद जितना भी मेरा स्ट्रेंड, जितना जो मेरा एचटी स्ट्रेंड है वो जितना भी पुश हुआ है बाहर की तरफ, जितना भी स्ट्रेच हुआ है वो कपलर और वेजेस की वजह से वो दोबारा अंदर नहीं जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन नहीं करेगा। ये उनका मेन रोल होता है जो जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों ये हम यहीं खत्म करते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताता हूं कि इसकी जब हमें काफी बड़ा एरिया कास्ट करना होता है तो हमें उसमें बीच में एक पोर स्ट्रिप भी देनी पड़ेगी। जैसे आप ये सामने इमेजेस देख रहे हैं तो देखिए इसमें मैंने इसको एक पोर वन कंसिडर किया हुआ है और इसको पोर टू कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे 25-25 मीटर के पोर हैं जो मैंने यहाँ पर कास्ट किए हुए हैं, इस साइड पर हमने कास्ट किए हुए हैं। इसके बीच में हमने एक मीटर की अप्रोक्स, ये जो आप देखें तो एक मीटर वेट की अप्रोक्स हमने एक पोर स्ट्रिप दी हुई है। तो दोस्तों ये जो पोर स्ट्रिप होती है उसको हमारा बनाने का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है, इट प्रोवाइड अ वर्किंग स्पेस फॉर स्ट्रेंड स्ट्रेचिंग वाया मशीन। जो हमारे स्ट्रेंड्स हम डालते हैं, एचटी स्ट्रेंड्स हम डालते हैं, उसको स्ट्रेचिंग मशीन से स्ट्रेच करने के लिए एक वर्किंग स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए हमने ये पोर स्ट्रिप को यहाँ पर छोड़ा हुआ है। और दोस्तों ये हमारी थ्रू आउट हर जगह रहती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है और सामने भी हमने यहाँ पर इस जगह भी छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो मेरे टेंडेंस होते हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एक मीटर यहाँ छोड़ा हुआ है और एक मीटर ही मैं यहाँ छोड़ूंगा जब मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई थर्ड पोर कास्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और है कि जो मेरा ये पोर स्ट्रिप है ये मुझे 28 डेज ऑफ पोर टू की कास्टिंग के बाद मुझे कास्ट करना है। जैसे अगर मेरा पोर टू 1 तारीख को कास्ट होता है तो मैं 28 तारीख के बाद पोर स्ट्रिप की कास्टिंग कर सकता हूं। इस बीच में ये अपनी सारी स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है और विद आफ्टर 28 डेज ऑफ पोर टू, क्योंकि मैंने यहां पहले पोर वन डाला है एंड पोर टू बाद में डाला है, तो पोर टू जो मेरा बाद में डाला उसके 28 दिन बाद मैं इसकी पोर स्ट्रिप को कास्ट करूंगा। तो दोस्तों आज का ये मैं वीडियो यही खत्म करता हूं। और दोस्तों इस ये जो मेरा पीटी स्लैब है इस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है, ये मेरा सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है, आप उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन बचती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। एंड दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड अपने जूनियर सीनियर्स को सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि मैक्सिमम लोग इस चैनल से काफी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।